अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की हमारी ये वीडियो जो हमारी राइड है, हम ये किला देखने जा रहे हैं। हम लोग हार्डनबर्ग का कैसल है, कैसल तो नहीं, अब रहा खंडरात ही रह गए हैं वहाँ पे, तो किला तो बस ख़त्म होने वाला है तकरीबन। लेकिन आज हम वहाँ देखने जाते हैं। ये एक शहर है जिसका नाम है बैड बाडरुकहाइम, तो आप इंग्लिश में कह लें बैड ड्रुकहाइम या जो भी, खैर जर्मन में बाडरुकहाइम शहर है, तो उसका एक किला है। इस जगह पे बाडरुकहाइम के इर्द गिर्द बहुत सारे किले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे उस वक्त के बादशाहों के या नवाबों के या जगीरों की जो सरहदें थी वो मिलती थी, क्योंकि ये सारे दरे हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो पासेज हैं तो माउंटेन पासेज हैं, तो वो गुजरते हैं यहाँ से, तो उसके अंदर से ये किला है, वहाँ पर ये किला मौजूद है। तो वहाँ चलते हैं, आपको किला भी दिखाते हैं रास्ते में जाते हुए, बाकी भी आपको प्यारी जगह दिखाते हैं, जो कर्वी वेव्स हैं, रोड्स हैं कर्व वाले, और बाकी जो जंगल है सारा कुछ, तो आपको किला भी दिखाते हैं चल के। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको जर्मन हिस्ट्री दिखाऊंगा, तो ऐसा ऐसा आपको ये सारा दिखाता हूँ। तो चलें, वहीं आप किले में चल के बात होती है आपसे और रास्ते में। तो दोस्तों ये हम जा रहे हैं इस तरफ, अभी मैंने सिटी को क्रॉस कर लिया है, तो ये पहला जंगल शुरू हुआ है, तो उस तरफ अब ऐसा ऐसा कोशिश करते हैं आपको दिखाते जाते हैं। जर्मनी में ऐसे जंगल आम जगह पे आते हैं हर जगह, साथ साथ ही जैसे मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया था। और ये स्पीड ख़त्म हो गई और हम लोग थोड़ा सा स्पीड लेते हैं यहाँ से ताकि तेज़ी से निकल जाएं ट्रैफिक से बच के। तो ये सारे जंगल हैं जी जर्मनी में, ग्रीनरी। आज काफ़ी गर्मी है, बल्कि इस पूरे हफ्ते से काफ़ी हीटअप है मौसम। पिछले जैसे वीक से, लास्ट वीक से जो कुछ मौसम ठंडा हुआ था कुछ 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा, वो एकदम से दोबारा से फिर से गर्मी वापस आ गई है। तो मौसम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है हर टाइम, लेकिन फ़िलहाल नेक्स्ट वीक तक दोबारा से मौसम गर्म ही है। फ़िलहाल तो प्रेडिक्शंस ऐसी हैं, तो देखते हैं कि क्या बनता है आगे। तो ये सामने आ रहा है नोएस्टाड और बाडरुकहाइम। तो बाडरुकहाइम में वो किला है खड़ा है, किला 1204 से लेके 1215 तक ये उसकी तमीर का टाइम है। इस 11 ईयर्स में उस किले को खड़ा किया गया था, और थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल किला है, क्योंकि कहते हैं कि जिस बादशाह ने या दूसरे लीडर ने खड़ा किया था, उसने अपने एरिया से बाहर निकल के उसको खड़ा किया था, और ये उसका इलाका नहीं था जहाँ पे उसने इसको खड़ा किया था। तो फ्रेंड ये हैं जी ज़बरदस्त रोड्स इस एरिया के घूमने फिरने के लिए, यहाँ पे मोटर बाइक्स पे क्या कर्वी रोड्स हैं, और जो घने जंगल्स हैं यहाँ पे, यानी गर्मियों में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सर्दियों में उतने ही बुरे, बर्फ़ से बड़े रहते हैं हर टाइम। हर तरफ है बाइक्स और बाइक, सामने से हार्ले वाले भाईजान जा रहे हैं, तो भाईजान हार्ले चलाएं और मज़े उड़ाएं। ATVs, हार्ले, रनिंग बाइक्स और पता नहीं क्या कुछ, पूरे मज़े हैं यहाँ पर। गर्मी है लेकिन उतना ही मज़ा भी है मौसम का साथ साथ।
क्या खूबसूरत लोकेशंस हैं ये सारी की सारी। इस एरिया में बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं और आने वाले दिनों में मैं और भी इस एरिया में टूर करूंगा और इस तरफ की लोकेशंस को देखेंगे कि ये कैसे हैं, खूबसूरत सी लोकेशंस हैं। इन सारे पहाड़ी इलाकों में बहुत छोटे छोटे किले बने हुए हैं जो पुराने टाइम के उस वक्त के आप बादशाह कह लें या उन्हें कह लें छोटे छोटे काउंट होते थे जो जागीरदार जिन्हें हम कहते हैं या फिर नवाब कहते हैं, तो उन लोगों के ये सारे इलाके होते थे छोटे छोटे, तो उन्होंने अपनी अपनी बॉर्डर लाइंस के ऊपर किले खड़े किए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा किले एक दूसरे के करीब करीब यहाँ मौजूद हैं जो ये देखने के लिए कि उनके तरफ कोई और पहाड़ी इलाकों के अंदर से आकर कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारा इलाका जो है ये ऐसे है जैसे पास एरियाज़ होते हैं, दरे होते हैं, तो ये ऐसे है ये सारे का सारा इलाका। तो इसलिए जगह जगह पे यहाँ पर आपको मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले दिनों में कि यहाँ बहुत सारे किले हैं छोटे छोटे। मोहतरमा को बहुत जल्दी जल्दी है अपने ड्यूक पे जाने की। देखें और इस इलाके सारे में आपको बाइकर्स बहुत मिलेंगे, स्पेशली वीकेंड्स पे तो यहाँ बहुत बाइकर्स आते हैं जो यहाँ राइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत कर्वी रोड्स हैं स्पेशली इस एरिया में। ये कर्व वाले रोड्स जो हैं पहाड़ी इलाकों के माउंटेनिंग रोड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं इस तरफ, तो इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा बाइकर्स, ATVs के लोग और कन्वर्टेबल गाड़ियाँ जो हैं जितनी हाई स्पीड्स गाड़ियाँ होती हैं वो मिलती हैं। तो फ्रेंड हम इस वक्त आ गए हैं किले के मेन दरवाजे के पास। ये देख रहे हैं आप, इसकी मेन दीवार है ये, आप इसकी मेन दीवार, ये इसका नीचे से रास्ता आता है ऊपर आने के लिए, एक साइड ये है, दूसरी साइड से भी एक रास्ता आता है जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, दूसरी तरफ से भी आता है। और ये दो रास्ते इसके मेन तरफ से आते थे, ये रास्ता इस तरफ से, इसका एक छोटा गेट है जहाँ से आप अंदर इंटर हो सकते हैं, ये सामने गेट है जहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। और ये इसकी बुलंद बाला दीवारें जो बहुत मज़बूत हैं, एक पहाड़ के ऊपर इसको खड़ा किया गया है और ये एक नेचुरल पहाड़ की चोटी है जिसके ऊपर इस किले को खड़ा किया गया है ताकि इसके पास भी आराम से कोई इसको पता ना कर सके। तो चलें चलते हैं अंदर और देखते हैं किला के, इस किले में और क्या क्या है, और महल को भी देखते हैं जो इसके पिछले हिस्से में बनाया गया था बाद में। तो ये ऐसे लगता है जैसे कोई जेल होती है या छोटी मोटी सी कैद खाना सा था, तो ऐसा नज़र आता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये क्या चीज़ है क्योंकि ये बंद है अभी फ़िलहाल। तो इसकी दीवारें अभी भी और छत भी अभी भी काफ़ी मज़बूत खड़ी है इतने अरसा गुजरने के बाद, क्योंकि ये किला तकरीबन 1204 से 1215 के दरमियान बनाया गया था। इस तरफ आप अंदर जाते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि यहाँ पर ये आपको सीढ़ियों का ये साइन नज़र आते हैं, ये लिखा भी होगा 53 के, ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाती थी और ये देख रहे हैं सीढ़ियों की जगह बनी हुई है जो कि टूट गई हैं सीढ़ियाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ही फिर ख़त्म करके, ये देख रहे हैं आप सर्कल जा रहे हैं, ये तीन सीढ़ियों के बड़े सर्कल है और ऊपर दरवाजे बने हुए हैं जिससे आप महल में एंटर हो सकते हैं। तो ये ऐसे लगता था कि यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता था जो एक साइड से जाता था, और एक साइड पर एक कमरा ऐसे बनाया गया जैसे कोई यहाँ बैठ के कौन ऊपर जा रहा है और नहीं आ रहा, कोई ऐसे पहरेदार के लिए था कि वो देखते थे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये इस किले का मेन हिस्सा है और इस साइड से ये लेफ़्ट साइड से ये दूसरा रास्ता है जो नीचे से आता है, और ये आप इसे कह सकते हैं कि ये इसका मेन एंट्रेंस थी। और आप वो सामने देख रहे हैं जो अभी भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, इसके पीछे इसका मेन गेट है। तो चलें मेन गेट की तरफ चलते हैं इसके, ये इसका मेन गेट है जो किले में इंटर होने के लिए मेन गेट था, इससे आप इंटर होते थे, गेट के अंदर से इंटर होते थे, वो दूसरी तरफ से आप सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जा सकते थे, लेकिन यहाँ से इसका मेन सारा रास्ता अंदर जाता था। इस किले को हार्डनबर्ग का नाम दिया जाता है, हार्डनबर्ग का किला था जो लाइनन फैमिली के पास था, लाइनन एक रॉयल फैमिली थी यहाँ पर
इस एरिया में वो हुकूमत करते थे और मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने हुकूमत की है। जैसे मैंने आते हुए कहा था कि ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल किला था, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि इस किले को, ये इसका सेन है, इस किले को इसके जो ओनर था जिसने ये किला बनाया था, जिस बादशाह ने, अपने इलाके से 10 किलोमीटर बाहर आके उसने एक खानगाह की जगह पर, जिसे आप खानगाह कह सकते हैं या जैसे हम मदरसे होते हैं, तलीम मदरसे होते हैं, तो उनकी जगह थी ये जहाँ पर उसने ये किला तमीर किया था। तो आप इसका व्यू देख सकते हैं, ये किला तकरीबन 200 मीटर की हाइट पर बनाया गया था, जहाँ पे इस किले को सारा तमीर किया गया। पहले पहले इस किले को सिर्फ एक डिफेंस लाइन के तौर पे बनाया गया था, ताकि ये एज अ डिफेंस, इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो फौजें दूसरी तरफ से आती थी, इन दरों की तरफ से आती थी, इन पासिस की तरफ से आती थी जो पिछली बैक साइड से थे, तो उनकी उनको रोकने के लिए, ताकि इस पहाड़ी इलाके से आगे मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, तो एक इनके दरमियान दरिया बहता है जिसको राइन कहा जाता है, तो राइन के इधर उधर का इलाका इनके पास था और राइन के दूसरी तरफ दूसरा जर्मन बादशाह होते थे ज़्यादातर। तो ये किला अपने टाइम में सबसे ताकतवर किलों में शुमार होता था उस वक्त के। तो इस सारे किले क्या आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि इसको इतनी हाइट पे इसीलिए बनाया गया था ताकि आराम से कोई फौज इस तक पहुंच ही ना सके। तो अभी तो इसकी काफ़ी लुक चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये किले को तबाह भी कर दिया गया था बाद में मुख्तलिफ टाइमिंग में। तो 1214 में इसके बनने के बाद इसको दोबारा इसको रीबिल्ड 1512 में किया गया था, 300 साल के बाद इस किले को सिर्फ हिफाजती किले से ख़त्म करके इसको महल बना दिया गया, जहाँ पे लाइनन फैमिली खुद रहना शुरू हो गई। ये उनका मेन हिस्सा बन गया, मेन किला बन गया, जिसमें वो खुद आके रहने शुरू हो गए थे। और 15वीं और 16वीं सदी के आखिर के आगाज़ में इस किले को मज़ीद बड़ा किया गया, इसको एक्सटेंशंस दी गई और इसकी दीवारों को भी और ज़्यादा मजबूत किया गया, जो आने वाले उसके बाद 30 साल के बाद जो जंगें हुई, जो खाना जंगी जर्मनी के सिलसिले में चलती रही, उसमें इस किले की प्रोटेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इनको बचाव हुआ इस फैमिली को, और इन लोगों ने यहाँ पर तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की है इस आरे एरिए में। और 1560 से 1725 तक ये सारा इनका मेन हिस्सा था, इनका हेडक्वार्टर था, सारा कोई था, और इसको एक महल में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था 1560 के बाद। तो उस वक्त उसके बाद फ्रांसीसी फ़ौजों ने 1700 के करीब इस पर पहली दफ़ा हमला किया। फ्रांसीसी फ़ौजें इसी साइड से आती थी दरे की दूसरी तरफ से, तो वो फ्रांसीसी जो फ़ौजें थीं उनके हमले की वजह से इसके एक हिस्से को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। उसके बाद 1725 में जो यहाँ के रहने वाले थे, रॉयल फैमिली थी, वो भी यहाँ से एक और आगे किला, जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ बहुत सारे किले मौजूद हैं, तो वो लोग उसमें शिफ्ट हो गए थे। तो 1794 में, यानी 1800 के लगभग, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन फौजें जो थीं उन्होंने इस किले के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और इस किले के अंदर से लूट मार करके सारा कुछ उन्होंने सामान निकाल लिया था और इसको आग लगा दी। ये जो अभी आप दीवारें देख रहे थे जो काली स्याह हुई, ये इसी वजह से थी कि इस किले को बिल्कुल जलने दिया गया था और इसको जला दिया गया था, यानी एक अपनी नफ़रत का पूरा इजहार किया था फ्रांसीसी फौजों ने, क्योंकि काफ़ी अर्से तक और कुछ नहीं तो 300 साल तक वो इस किले को हासिल करने के लिए लड़ते रहे थे, जो इसको काबिज़ नहीं हो रहे थे। और उस लूट मार की वजह से और तबाही की वजह से ये आप देख रहे हैं इसकी जो हालत है, इस वक्त जो खंडर में तब्दील हो गया उसके बाद ये कम्प्लीट। और इसके बाद इस किले को रहन दोबारा इसमें कोई रिहाइश पजीर नहीं हुआ और ये उस वक्त से खंडर में मौजूद है, यानी 1800 के बाद से ये किला कम्प्लीटली तौर पे तबाह हो गया और फिर सिर्फ इसके खंडरात रह गए। उसके बाद 1801 से ले कर 1803 तक इसके ऊपर जर्मन दूसरे बादशाहों इस इलाके में हुकूमत की है, और ये किला अभी भी अपनी ताकत का दिखाता है। इसकी आप दीवारें देखें, इसकी मजबूती से पता चलता है कि इसकी दीवारें कितनी मजबूत हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह से ये किला, इसकी हवा के लिए एक्स्ट्रा रास्ते रखे गए थे, क्योंकि ये गर्मियों में ये इलाका ऊपर का हिस्सा जो है बहुत ठंडा होता है। अभी मैं इस किले में फिर रहा हूँ तो काफ़ी ठंडक है इसके अंदर, हालांकि बाहर ठीक ठाक गर्मी है,
30-31 टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त, लेकिन इसके लिए मैं, ये आप देख रहे हैं ये खिड़की इन्होंने रखी हुई थी यहाँ पर ताकि हवा अंदर आ सके, और जगह जगह पे रोशनदान या फिर सुराख रखे गए थे कि हवा का और हवा के साथ साथ रोशनी अंदर आ सके, क्योंकि ये जो अभी हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी किले की छतें थीं और सारा कुछ था जो ख़त्म हो चुका है, जो जल के गिर गया, तबाह हो गया। तो अब जो रोशनी आ रही है ये तो ओपन होने की वजह से आ रही है, लेकिन उस वक्त ये रोशनी और हवा इन्हीं दरों से, इन्हीं रोशनदानों से, सुराखों से आती थी, जैसे ये अभी देख रहे हैं आप के सामने जो लाइट है इतनी ज़्यादा इस साइड से आ रही है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से वो लाइट और हवा वगैरह लेते थे। ये सारा कुछ आप ये जो किला है इसकी अपने टाइम के हिसाब से ये बेहतरीन किलों में से एक किला था, जिसकी ताकत का अंदाज़ा आप देख सकते हैं कि दीवारों से कितनी मजबूती है इसके अंदर। सिर्फ फ्रेंच जो फौजियाँ थी उन्होंने इसके बहुत लूट मार की, यहाँ से कहा जाता है कि हत्ता कि वो मुजस्मे भी और जो उस वक्त के स्टैचूज थे या जो कुछ भी उनको मिला कीमती वो लूट मार करके साथ ले गए थे। तो उसके बाद उन्होंने इसको जलने के लिए छोड़ दिया, इसके जो छतें जल गई सारा कुछ जल गया। इधर मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या रखा है, क्योंकि ये चार ऐसी जगह बनी हुई हैं जैसे यहाँ पर कोई चीज़ रखी जाती थी, हो सकता है कोई सामान रखा जाता हो सकता है कोई चर्च की चीज़ें रखी जाती हों, क्योंकि जब ये किला बनाया गया था तो ये मजहबी इलाके होते थे, उस वक्त जो क्रिश्चियन होते थे वो ज़्यादा मजहबी थे बनिस्बत आज की जो आज इनकी हालत है, तो उस वक्त वो मजहब को ज़्यादा फॉलो किया करते थे। तो हो सकता है यहाँ पे कोई चीज़ रखी जाती हो, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, ना ही किसी जगह लिखा गया था कि यहाँ पर क्या रखा जाता है और क्या बनाया जाता था यहाँ पर। तो ये मुख्तलिफ हैं जो आप देख सकते हैं, इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी हुई, क्योंकि अब ये किला सिर्फ एक टेम्परेरी बस ऐसे आप कह सकते हैं कि सयाहों के लिए खोला गया है। जब आप इस किले की तरफ आते हैं तो आप दो रस्ते हैं आपके पास आने के लिए, इस किले को देखने के लिए अगर कोई आना चाहता है तो, अगर आप कैजल लोटन से आते हैं तो आपको बैड डुकहाइम की तरफ आना पड़ेगा, तो रस्ते में ही आता है, या फिर बैड डुकहाइम आप आएँ माइंस की तरफ से आते हैं, कोब्लेंस की तरफ से आते हैं, मनहाइम की तरफ से आते हैं, तो बैड डुकहाइम आएँ और बैड डुकहाइम के बिल्कुल आखिर पे ये किला आपको मिलता है। तो इस किले की इंट्रेंस जो है वो तकरीबन 4.99 €5 है पर पर्सन, तो एक नॉर्मल सी इंट्रेंस प्राइस है, कुछ ज़्यादा नहीं है जितना इस, क्योंकि इस किले को 2011 से लेके 2011 से लेके 2015 तक कई मिलियंस यूरोस जर्मन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगाए हैं इसकी इसको रिपेयर करने में। आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये काफ़ी चीज़ें बीच में रिपेयर की गई हैं, कुछ दीवारें इसकी सही की गई हैं। ये इसका गार्डन है जो फ्रेंच तर्स का है, जैसे पता चलता है कि जब फ्रांसीसी फौजों ने कब्ज़ा कर लिया था तो उन्होंने इसके गार्डन को यहाँ पे गार्डन बना दिया। पहले इसकी अगर पुरानी तस्वीरें देखी जाएँ कुछ जो 1500 कुछ की पेंटिंग्स मिलती हैं तो उसमें यहाँ पे घर होते थे जो लोग रहते थे, रहशी रहते थे। और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जी, यहाँ पे आप दूर से आप इस किले को पूरी तरह देख सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा आप इसे टावर कह सकते हैं, बुर्ज कह सकते हैं, सबसे ऊँचा टावर और बुर्ज है इस इलाके में। यहाँ से आप सारा देख सकते हैं, वो नीचे आबादी, ये सारा बैड डुकहाइम की आबादी है, ये इस कस्बे की या इस टाउन की आप कह सकते हैं, छोटा सा एक शहर है। तो ये किला है सामने आपके, आप देख सकते हैं, और वो नीचे आप देख रहे हैं वो जो करेक्टर्स में वो प्ले करते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर आप किसी टूर गाइड को लेना चाहते हैं तो ये लेडी इसीलिए हैं, वो आपको स्टोरी सुनाती हैं मलका के तौर पर कि मैं मलका थी तो मैं कैसे कैसे यहाँ क्या क्या होता रहा। ये सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये रिपेयर हो रहा है, इसके ऊपर जर्मन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये हिस्ट्री का हिस्सा है और जैसे मैंने कहा कि इस एरिए का सबसे ताकतवर किला था। तो ये सारा आप देख सकते हैं, इस एरिए में बहुत टॉप पे इस किले को बनाया गया था ताकि किसी तरफ से भी दुश्मन फौजें आएँ तो उसको वो रोक सकें। अभी ये भी इन्होंने रिपेयर किया ताकि हम छत पर आ सकें, तो इन्होंने ये लोहे की सीढ़ियाँ लगाई हैं ताकि आप देख सकें। ये छत भी आपको नज़र आ रही है कि ये रिपेयर शुदा छत है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है छत, तो ये भी छत नहीं बनाई गई थी सारी। इसके कुछ हिस्से हैं जो अभी तक रिपेयर हो रहे हैं वो बंद हैं, वहाँ हम नहीं जा सकते, और कुछ हिस्सों में क्योंकि रिपेयर हो रहा था तो उन्होंने अपना सामान रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से भी वो कमरे एक्स्ट्रा बंद थे,
स्पेशली नीचे के जो एरिया थे बेसमेंट के, वो बातें काफ़ी हद तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा, ये बेसमेंट को रास्ता जाता है, ये सीढ़ियाँ नीचे बेसमेंट की तरफ ही जा रही हैं। तो ये बेसमेंट में जाके आप देखें, वो रिपेयर कर रहे हैं अभी भी, तो कुछ हिस्सा खुला था तो मैं वहाँ गया नीचे, तो अभी चल के आपको दिखाता हूँ नीचे बेसमेंट में जो हिस्सा था खुला, उसमें जाके आप देखें तो वो सारा रिपेयर कर रहे हैं, और उससे पता चलता है कि कितनी तबाही फेरी गई थी इसको ख़त्म करने के लिए, या जंगों ने इसको कितना तबाह किया और ये कितना ताकतवर किला था। तो बेसमेंट में इतनी अच्छी लाइटनिंग नहीं है कि वहाँ कैमरा कोई अच्छा काम कर सके, तो जितना हो सकता था मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है लो लाइट के अंदर भी कि कितना ताकतवर किला था ये अपने टाइम के हिसाब से। बाहर से ये ऐसे लगता है, आपको एक इसका ड्रोन शॉट भी मैं देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि ये किला कैसे लगता है। तो हम अपने ड्रोन के थ्रू आपको दिखाते हैं कि ये किला कैसा लगता था दूर से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कंसीडर फॉर सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।